अपने सामने TVS की Apache RTR 160 2V 2023 का लेटेस्ट मॉडल जिसके अंदर चेंजेस आए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो LEDs हैं वो पूरी चेंज हो चुकी है, यहाँ पर हैलोजन आता था वो LED कर दिए, यहाँ जो स्ट्राइप्स थी पहले ऊपर आती थी अब इसके अंदर कर दिए, फेयरिंग जो ग्लास है इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अब ये फ्रंट में आपको इसके अंदर हैलोजन आपको बल्ब देखने को मिल जाएगा विद हैलोजन DRL, आपको इसके अंदर LED कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बस एक टेल लाइट जो आपको LED देखने को मिल जाती है, बाकी आपको हैलोजन ही इसके अंदर बल्ब इंडिकेटर्स जो है ये बल्ब वाले देखने को मिल जाते हैं, हैलोजन आपको फ्रंट में हेडलाइट देखने को मिल जाती है और जो ओवरऑल लुक निकल के आता है बाइक का कुछ इस तरीके का निकल के आता है। फ्रंट टायर के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको 90x90 सेक्शन का 17 इंच का आपको इसके अंदर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। JK टायर का उसके अंदर आपको टायर देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ तो आपको 270mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS साथ ये बाइक आती है जो कि TVS बोलता है सुपर मोटो ABS, यानी कि वो फ्रंट वाला जो व्हील आपको उसके अंदर ABS देखने को मिल जाएगा। टायर के बारे में बात करें तो 90x90 सेक्शन का 17 इंचेस का आपको इसके अंदर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है जो कि आता है यूरो ग्रिप की तरफ से, आपको उसमें टायर देखने को मिलता है यूरो ग्रिप का। फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर 280mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS साथ ये बाइक आती है और ब्रेकिंग जो बाइट है बाइक की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अलॉयज के साथ ही आती है। सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और जो इनका ट्रैवल है वो भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, आपको लॉन्ग टर्म में किसी भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी इस बाइक के अंदर सस्पेंशन से रिलेटेड। फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा है और इनका सस्पेंशन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है बजाज की, इवन आपको कैसे भी सरफेस पर चलाओ कैसे भी एरिया में लेके जाओ सस्पेंशन क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस पर्टिकुलर बाइक की। अब अगर मैं बात करूं बाइक के हर्ट यानी कि बाइक के इंजन के बारे में तो आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 कंप्लेंट इंजन जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है जो कि पावर प्रोवाइड करता है 15.53 PS की और आपको टॉर्क देखने को मिल जाएगा 13.9 न्यूटन मीटर का। बात करूं बाइक के हर्ट यानी बाइक के इंजन के बारे में तो आपको 149.5 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ट्विन वाल्व ट्विन स्पार्क GTSI इंजन इसके अंदर देखने को मिल रहा है जो कि पावर प्रोवाइड करता है 14 PS की और आपको टॉर्क देखने को मिल जाएगा 13.25 न्यूटन मीटर का। तो रियर के अंदर आपको MIG के ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल है, आप उनको अपनी नीड्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब जो परफेक्ट एडजस्ट जो कंपनी करके देती है बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट आपको करके दे देती है। रियर टायर के बारे में बात करूँ तो आपको 110x80 सेक्शन का 17 इंचेस का आपको इसके अंदर टायर देखने को मिल जाएगा, अगेन GK टायर आपको इसके अंदर वही देखने को मिल जाता है। रियर डिस्क ब्रेक के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर रियर में 130mm की रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, अगेन जो कि पेटल डिस्क ब्रेक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग बाइट आपको प्रोवाइड कर देने वाली, कुछ ऐसा आपको जो रियर से लुक है एक प्रीमियम बाइक वाला 160cc की प्रीमियम बाइक वाला आपको इसके अंदर लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगेन RTR 160 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ग्रैबरल्स के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें स्प्लिट ग्रैबरल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो पिलियन है इजीली इनको ग्रैब करके बैठ सकते हो और जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आता है इन ग्रैबरल्स का निकल के। सीट्स के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर डुअल टोन में जो सीट देखने को मिल जाती है, एक साइड आपको ये मैट सा टेक्सचर देखने को मिल जाता है, एक साइड आपको ये नॉर्मल स्मूथ टेक्सचर देखने को मिल जाता है डॉट के साथ। तो यहाँ पे जो कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये सीट, देखो आप आराम से इतनी कंफर्टेबल सीट है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसको लॉन्ग राइड्स पर लेके तो आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। आपको उसके अंदर स्विफ्ट सीट देखने को मिल जाती है, हल्की सी स्टेप अप है वो हल्की सी नीचे। कंफर्ट के बारे में बात करूँ अगर सीट्स के तो काफ़ी ज़्यादा ये कंफर्टेबल सीट्स है, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। इवन जो पिलियन की सीट है वो भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ही कंफर्टेबल है। और अगर ग्रैबरल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैबरल देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी स्पोर्टी लगती है, आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे ही पूरा स्पोर्टी लुक आ रहा है ना बाइक काफ़ी अच्छा लगता है। इसी जो पिलियन है इसको इजीली यहाँ से नीचे से इजीली ग्रैब करके यहाँ से बैठ सकता है, उनको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ तो आपको इसके अंदर 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को जो कि 1 down and 4 up पे वर्क करता है, आप इसमें मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों का ही यूज़ कर सकते हो, आपको दोनों ही फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसके अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाता है। के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपको इसके अंदर 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है जो कि 1 down and 4 up पे वर्क करता है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके अंदर मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाता है, यानी अगर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ होगा और आप बाइक को गियर में डाल के स्टार्ट करोगे तो बाइक जो आपकी स्टार्ट नहीं होगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है बाइक का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, पूरा डिजिटल इसको बना दिया है, जैसे आप इसको ऑन ऑफ करके ऑन करोगे पूरा एक आवाज़ आटे 164V वाला आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड का भी यहाँ पे देखो वार्निंग देखने को मिल रही है अपने को, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको RPM की लिमिट देखने को मिल जाएगी, स्पीड देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे फ्यूल देखने को मिल जाएगा, आप कौन से मोड में बाइक चला रहे हो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बटन काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, देखो जैसे प्रेस करूँगा ये अभी स्पोर्ट मोड में चली गई है और अभी ये रेन मोड में आ गई है, पूरा स्वैप मारता है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है ये।
जब आपको उसके अंदर आरपीएम के नीडल देखने को मिल जाती है और यहाँ पे एक डिजिटल का पूरा सेक्शन देखने को मिल रहा है, मेरे को पर्सनली ये वाला जो आरपीएम की लिमिट होती है ना नीडल वाली, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है मुझे, ये बहुत पसंद है ये वाली नीडल। अभी इसके बारे में बात करते हैं, आपको यहाँ पे आरपीएम का ये नीडल देखने को मिल जाती है, आरपीएम लिमिटर देखने को मिल जाता है, इंजन माल फंक्शन की लाइट इसके अंदर आपको स्पीड दिखा देने वाला है, ये आपका फ्यूल कंजप्शन कितना होता दिखा देने वाला है, ओडो दिखा देने वाला है, फ्यूल लेवल यहाँ पे दिख जाएगा आपको, अभी जैसे लो फ्यूल दिखा रही है यहाँ पे आपको उसका फ्यूल लेवल दिख जाएगा, ओडो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर आपको बटन दे रखा होता है, इससे आप जो बाकी के फीचर्स हैं उनको भी टॉगल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इस बाइक की प्राइसिंग कितनी रखी गई है, क्या इस बाइक को परचेज करना अभी भी वर्थ है, इतने सारे फीचर और इन सबके साथ इसकी प्राइस कितनी रखी गई है। तो ये आपको एक्सशोरूम देखने को मिल जाएगी 1,27,000 से लेके 1,30,000 तक, वो अलग अलग वेरियंट्स पर डिपेंड करता है, आपको रियर में डिस्क ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए, एक जो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर है वो चाहिए नहीं चाहिए, तो 1,30,000 तक आपको मैक्स आउट एक्सशोरूम प्राइस जो है इसकी बाइक की देखने को मिल जाएगी। तो एक्सशोरूम जो है ये बाइक आपको देखने को मिल जाती है अभी राजस्थान जयपुर में, आपको देखने को मिल जाती है एक्सशोरूम 1,13,000 एक्सशोरूम आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है।